नमस्ते, नमो नमः। उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे। तो मैं इस कालांश में द्वादश कक्षा के अपने छात्रों का स्वागत करता हूँ। आज प्रथम पाठ अनुशासनम यह लेकर मैं उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि यह पाठ तैतिरीयोपनिषद से लिया गया है। तैतिरीयोपनिषद एक उपनिषद है। ये उपनिषद क्या है तो मैं बता दूं कि उपनिषीदति प्राप्नोति ब्रह्मात्म भावोनया इत्युपनिषद। अर्थात जिस ग्रंथ के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त होता है, जिसका प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म तत्व को जानना है, वह है उपनिषद। वैदिक साहित्य का अंतिम अंश होने के कारण इसको वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है। ईशकेन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य इतरेय तैतिरीय बृहदारण्यक श्वेताश्वतर, ये सब उपनिषदें हैं। शंकराचार्य ने 11 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा। आज उन्हीं उपनिषदों में से एक तैतिरीयोपनिषद में यह जो घटित घटना है कि एक गुरु अपने छात्रों को उपदेश देते हैं, तो हम लेकर हाजिर हैं, उपस्थित हैं। अनुशासनम, सबसे पहले मैं बताऊं कि अनुशासनम शब्द अनु उपसर्ग पूर्वक शास धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर अनुशासनम ऐसा शब्द बनता है। अर्थात शासन के पीछे, शासन के अनुसार, अर्थात जो प्रशासन के द्वारा विहित नियमों का पालन करता है, मतलब कि वो अनुशासित है। वही अनुशासन है कि बस केवल वेद वाक्यों के द्वारा जीवन को उसी पथ पर ले जाना अनुशासन है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि कैसे अनुशासनम यह पाठ शुरू होता है। तो वेदम अनुच्य आचार्यो अन्तेवासिनम अनुशास्ति, सत्यम वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः, आचार्याय प्रियं धनं आहृत्य प्रजागन्तुं मा व्यवच्छेत्सिहि, सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यै न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव, यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। हम देखते हैं कि वेदम अनुच्य, वेदों का उच्चारण करके, वेद मंत्रों का पाठ करके आचार्य गुरु अंतेवासिनम, जो गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्ति के निमित्त शिष्य रहते हैं, उन्हें अंतेवासी कहते हैं। तो ऐसे आश्रम में स्थित उन शिष्यों को अनुशासित करते हुए, उनको उपदेश देते हुए गुरु कहते हैं, क्या कहते हैं कि सबसे पहले सत्यम वद, सत्य बोलो, बस सत्य बोलो। ये जितना आसान है कहना, उतना ही कठिन है। आज के समय में
यदि कोई कहता है कि मैं सत्य बोलता हूं, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि यही एक सबसे बड़ा झूठ है। इसलिए कि सर्वाधिक कार्य व्यापार जीवन का, व्यवहारिक पक्ष इस जीवन का ज्यादा से ज्यादा सत्य पर आधारित थोड़ा कठिन है। तथापि यदि वाणी से, यदि बोली से सत्य का आचरण किया जाए तो यही श्रेयस्कर है और यही करना चाहिए, यही मनुष्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। तो सत्यम वद, सच बोलो। धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, धर्म के पथ पर चलो। धर्म क्या है भाई? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्यादि नहीं। धर्म शब्द धृ धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है धारण करने योग्य। जो आपका धारण करने योग्य है, जिसे आपको धारण करना चाहिए, जीवन में जिसको उतारना चाहिए, जो आपका करणीय कर्म है, जो आपका कर्तव्य है, वही धर्म है। और ऐसे धर्म का आचरण करो, अर्थात अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करो, ईमानदारी से उसका निर्वाह करो। यही धर्मम चर कहने का आशय है। इसके बाद स्वाध्यायान मा प्रमदः। स्वाध्यायात, स्वाध्याय से, विद्यार्थी स्वाध्याय से अपने अध्ययन का अधिकाधिक अंश प्राप्त करते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं इतिहास में कि स्वाध्याय के बल पर बहुत से कवियों ने, बहुत से विद्वानों ने बहुत कुछ अर्जित कर लिया। एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के छायावादी कवि, कहा जाता है कि सातवीं कक्षा पास थे और उन्होंने कामायनी जैसा ग्रंथ लिखा जो एमए की कक्षाओं में चलती है। यह कैसे संभव हो सका? तो केवल और केवल स्वाध्याय से। तो हम सभी अपने छात्रों को ये कहना चाहेंगे कि सब लोग अपने अध्ययन से, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो, आलस्य मत करो। अपने स्वाध्याय से आलस्य नहीं करना चाहिए। इसके बाद सत्यान्न प्रमदितव्यम, सत्य से भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। धर्मान्न प्रमदितव्यम, धर्म से तो आलस्य करना ही नहीं चाहिए। बिना आलस्य से, अर्थात पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने धर्म, अपने करणीय कर्म में मनुष्य को लगना चाहिए। इसके बाद कहते हैं कि भूत्यै न प्रमदितव्यम। भूत्यै, भूति के लिए, ऐश्वर्य के लिए प्रमाद नहीं करना चाहिए। अर्थात धन अर्जन सकारात्मक दृष्टि से, अपनी पूरी कर्तव्य और निष्ठा पूर्वक धन से, धन के अर्जन से अपने को आलस्य से बचाना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। देवताओं के और अपने माता पिता के द्वारा निर्दिष्ट कार्यों से प्रमाद नहीं करना चाहिए। देवताओं के द्वारा निर्दिष्ट कार्य, वेद प्रथित वाक्य, जिनसे हम लोगों को नित्य प्रति ज्ञान प्राप्त होता है, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, तो वैसे कार्यों से, वैसे श्रेय पूर्ण कार्यों से आलस्य नहीं करना चाहिए। और माता पिता के द्वारा निर्दिष्ट किसी भी कार्य से हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। इसलिए आगे प्रसंग में गुरु कहते हैं कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मातृदेवो भव, माता देवता है ऐसा समझने वाले बनो, पिता देवता है ऐसा समझने वाले तुम बनो, आचार्य गुरु तुम्हारे देवता तुल्य हैं ये समझने वाले तुम बनो,
अतिथि भी देवता के समान है ऐसा समझने वाले तुम बनो, भव हो जाओ। कैसे हो जाओ? तो अतिथि को देवता समझने वाले हो जाओ, माता को देवता समझने वाले बन जाओ। और इस प्रकार एक लाइन में, एक पंक्ति में गुरु ने जो कहा जाता है कि आखिर कौन सा करणीय कर्म है, कौन सा धारण करने योग्य कर्म है, तो लिखते हैं वेदों की वाक्य, तैतरीय उपनिषद का वाक्य कि यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। यानि अनवद्यानि, जो अप्रशंसनीय कार्य है उन्हें छोड़ दो, अनवद्यानि प्रशंसनीय कार्य है उन्हें। यानि अनवद्यानि कर्माणि, जो प्रशंसनीय कार्य है उन्हें करो, तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, दूसरे को नहीं। इस प्रकार पूरा का पूरा इस प्रसंग में गुरु अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए अंत में कहते हैं कि एषः उपदेशः, यही मेरा उपदेश है, एषः आदेशः, यही मेरा आदेश है, एतद् अनुशासनम्, और यही अनुशासन है, इसका पूरी तरह से आप लोग पालन करो, इसका आचरण करो, जीवन में श्रेय को प्राप्त करो, बस एतत् एव उपास्यम्, यही तुम्हें उपासना करनी चाहिए, इसी का आचरण करना चाहिए बस। और इतना कहकर आचार्य अपने शिष्यों को आशीर्वाद देते हैं। हमें भी अपने जीवन में अनुशासन का पाठ पढ़ना चाहिए। अनुशासन एक ऐसी चीज है जो कुरूप चीज में भी सुंदरता ला देती है। देखो हमारे वीर सैनिक जाते हुए कितने सुंदर लगते हैं, इसलिए कि वे अनुशासित होते हैं, उनका पैर एक बार पड़ता है। वन में खिलते हुए फूल अच्छे नहीं लगते, लेकिन क्यारियों में सजे हुए फूल बहुत सुंदर लगते हैं, इसलिए कि वे अनुशासित होते हैं, उनका अनुशासन देखकर हमारे मन में प्रसन्नता होती है। इसलिए मनुष्य के जीवन में जितना ही अनुशासन रहेगा, मनुष्य बाहर और भीतर उतना ही सुंदर दिखेगा। हम लोगों को अनुशासन का पाठ पढ़ना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद छात्रों। मुझे लगता है कि यह आपको वीडियो पसंद आएगा, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।